चुनाव खत्म होते ही कांग्रेसी अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा हमला बोला है। महंत ने कहा कि ईवीएम माता के जरिए पीएम मोदी वाराणसी से अपनी सीट बचाने में सफल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांकेर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के कम मतों से हार की वजह भी ईवीएम को बता दिया। देखिए, यहाँ तो कांकेर में भी जीतते ही वो प्रत्याशी को हरा दिया गया। ये मशीन जो ईवीएम माता है उसके माध्यम से स्वयं प्रधानमंत्री जी अपनी सीट कैसे बचाए हैं, आप लोग देखे होंगे कि 3 चक्र तक वो पीछे चल रहे थे। अब ऐसी बातों को अभी ऐसे जगह खुलेआम नहीं कहना है, इसकी जांच होनी चाहिए, मगर होगी नहीं। आप रिजल्ट आ रहा है, अभी हमारे भाई बता रहे हैं कि वो वहाँ चले गए विवेकानंद जी के आश्रम में। अब विवेकानंद जी ने क्या लिखा है उसको पढ़ तो लो। विवेकानंद जी चाहते हैं कि हम सबके दिल में, अगर मुस्लिम है तो हमारे मन में वेदांत की शिक्षा होनी चाहिए, वेदांत की जानकारी होनी चाहिए। तो उसके जैसा आदमी जब हिंदू मुस्लिम को एक करने में लगा हुआ है, आप उसके बनाए हुए पत्थर, उसके बनाए हुए नहीं, उनके लिए चिन्हित किए गए पत्थर में बैठ रहे हो, और वहीं से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में लड़ाई के संदेश दे रहे हो, तो इसको क्या कहा जाए। हम सब लोग दुखी हैं और हम लोग चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि दे कि वो हमारे भारत के प्रति, हमारे आध्यात्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारे कृष्ण जी के प्रति, हमारे राम जी के प्रति, हमारे जगन्नाथ जी के प्रति, हमारे विष्णु के प्रति, हमारे विष्णुदेव साय नहीं, हमारे भगवान विष्णु और हमारे आदरणीय सबके पिता तुल्य भगवान शिव के प्रति।